हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर आप सब लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और आप सब अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है आज के सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी शिवानी का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंने रात को मेहंदी लगा लिया था, पहले मम्मी के लगाया था, फिर अपने लगा लिया था। इसके बाद ये वीडियो आप देख रहे हो, वही शाम के लगभग बज रहे होंगे, 5:30 का टाइम हो रहा होगा करीब उस समय का। तो यहाँ पर मम्मी के मैंने जो पैरों में कलर लगा दिया है और इसके बाद मैं अपने लगा रही हूँ यहाँ पर। तो और कलर लगाने के बाद और जो मेरा खाना है वो मेरा सारा बन गया है। इसके बाद मैं तैयार हो जाती हूँ, आ गई हूँ मैं अपना जो पूजा करनी रहती है वहाँ। और वेदांश तो बहुत ज़्यादा परेशान करे, अभी मैं उनको बाहर छोड़ के आई हूँ, तभी मैं जल्दी अपना पूजा यहाँ पे समाप्त कर लेती हूँ। और हमारे यहाँ पूजे में ये देख ली आ गए हैं मम्मी के पीछे पीछे, तो अभी कहीं गोदी में बैठ रहे हैं, कहीं कुछ भी करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, इनका ऐसे ही लगा रहता है। तो हमारे यहाँ प्रसाद में बस यही कढ़ी चावल रोटी पूड़ी और पकौड़े बनते हैं जो कि प्रसाद में हैं। और इसके बाद मैं पढ़ लेती हूँ कहानी, हमारी पूजा सारी हो गई है। और ये भाग के इधर आते हैं, कहीं उधर आते हैं, ये दीपक पकड़ेंगे, वो दीपक पकड़ेंगे, इनको है ऐसे ही लगे रहते हैं पूरे दिन। उन्होंने आज बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया है। और मैं यहाँ पे कर रही थी आरती, तो इनको सूझ रहा था डांस, तो ये यहाँ पर डांस कर रहे हैं। मैं सुबह आरती करती हूँ तो वहाँ पर भी ये खड़े होकर ऐसे ही शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबका पूजा करने का तरीका अपना अलग अलग रहता है, पर हमारे जो भाव होते हैं, हमारे भावना होते हैं, वो सारे एक जैसे होते हैं। बस थोड़ा सा पूजा में थोड़ा सा अलग हो जाता है कि आपके यहाँ किसी दूसरे तरीके से करते हैं और हमारे यहाँ दूसरे तरीके से करते हैं। जो हमारे यहाँ प्रसाद में बनता है वही भोग लगाया जाता है। और मैं यहाँ पर कथा पढ़ रही हूँ और ये वेदु बार बार आ रहे हैं, मुझे बस ये डर लगता है कहीं दिया ना पकड़ लें। चलिए मैं कथा, तब तक इधर अपना कथा पढ़ लेती हूँ। और दोस्तों, वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। हमारे यहाँ ये जो करवा रहता है इसमें ना पानी भर लेते हैं, ऊपर थोड़ा सा अनाज रख के इसमें दिया जगा देते हैं जब तक यहाँ पूजा करते हैं। इसके बाद हम लोग पूजा करके छत पे जाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैं, हमारी कथा हो रही है, मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ पर मैंने दोबारा से पढ़ी है क्योंकि बाबू बार बार परेशान कर रहे थे, इनको मैं बाहर छोड़ के आई हूँ। इसके बाद तो दोस्तों, बताइएगा हमारी साड़ी कैसी लग रही है, आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये साड़ी हमारी है शादी में, जो कि जब मैं विदा होके आई थी, विदाई वाली जो साड़ी रहती है, तो हमारी यही साड़ी है। और इसके बाद आ जाते हैं हम छत पर, तो ये भी आ गए हैं पीछे पीछे। और मम्मी छत के थोड़ा सा ऊपर बैठी हैं, तो ये भाग के ऊपर जाते हैं, हमारे पास जाते हैं, फिर भाग के मम्मी के पास जाते हैं। तो बस यही डर लग रहा है कहीं सीढ़ियों से गिरे ना, क्योंकि ऊपर वाली सीढ़ियों पे तो ग्रिल भी नहीं लगी है, नीचे तो आराम से चढ़ जाते हैं, कुछ दिक्कत नहीं लगता है, डर नहीं लगता है। और यहाँ पर मम्मी बैठी हैं और हम लोग कर रहे थे जिसका इंतज़ार। तो ये देख लीजिए, चंद्रदेव ने दर्शन दे दिए हैं और आज दर्शन बहुत जल्दी दे दिए हैं चंद्रदेव ने। तो चलिए हम अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं। और चंद्रमा हमको हमारे यहाँ दिखाई दे दिया था, वही 8:10 के टाइम लगभग ऐसा ही रहा होगा, वैसे ही दिखाई दे दिया था। अब की बार ना ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ा, जल्दी आ गए थे चंद्रदेव। तो अभी चलिए यहाँ पर तसल्ली से आराम से बैठ के हम ना पूजा कर लेते हैं। और ये सीक रहती है जैसे मम्मी कर रही हैं, वैसे वैसे मैं उनसे पूछती जा रही हूँ, वैसे मैं भी करती जा रही हूँ। और थोड़ा सा याद भी है पिछला वाला ना, भूल जाते हैं, इसलिए मम्मी से पूछती जा रही थी और करते जाते। मम्मी आगे वाली छत में हैं जो थोड़ा सा आगे है, और उनके पीछे मैं बैठी थी।
और वीडियो मैंने फास्ट कर दी थी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और सुबह का मैंने सारा काम नहीं दिखाया है आपको, बस थोड़ा थोड़ा ही दिखाया है क्योंकि और टाइम नहीं मिल पा रहा था। और अभी दे देते हैं यहाँ पर चंद्रमा को अर्घ, जो चंद्रदेव को अर्घ देना रहता है ना, अभी वो देते हैं। हमारी सारी पूजा हो गई है, इसके बाद कर लेते हैं चंद्रदेव की आरती और फिर इसके बाद घूम घूम कर लगा लेंगे चंद्रदेव की परिक्रमा। और वीडियो मैंने थोड़ा सा ही शूट कर पाया है क्योंकि काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था और पूरे दिन व्रत भी रखना है इसलिए, और मेरा सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, चाय पीने की जिसकी आदत होती है ना तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। इसके बाद मैं कर लेती हूँ चंद्रदेव की आरती और इसके बाद लगा लूँगी घूम घूम की परिक्रमा। मम्मी भी इधर चंद्रदेव को अर्घ दे रही हैं, मैंने भी दे दिया है, चलिए कर लेते हैं चंद्रदेव की परिक्रमा। तो आप लोगों के यहाँ चंद्रमा किस टाइम निकला था कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे सभी प्यारी प्यारी सखियों को हमारी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये देख लीजिए आप लोग, चंद्रमा मैंने जब अर्घ दिया था तो निकले ही थे, हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे और पूजा करते करते अच्छे से दिखाई देने लगे हैं। इसके बाद हम चलनी में रख कर देख लेते हैं, चंद्रदेव के दर्शन कर लेते हैं। इसके बाद अपने पतिदेव के भी दर्शन करे हैं मैंने, और मैं वीडियो पूरा नहीं शूट कर पाई हूँ क्योंकि वीडियो वो ही थोड़ा सा शूट कर रहे थे इसलिए वो नहीं आपको दिखे होंगे, मैंने उनको देख लिया है। अभी मैं फ़ोटो सेंड कर देती हूँ, आप लोग उसमें देख लीजिएगा और बताइएगा कि फ़ोटो और वीडियो आपको कैसा लगा है। मैंने कोशिश करी है और जैसे हमारे यहाँ होता है बिल्कुल मैंने वैसे ही दिखाया है, कुछ मतलब अलग नहीं करा है, जैसे हम लोग करते हैं सिर्फ वही दिखाया है। तो बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में आपके यहाँ प्रसाद में क्या बनाया जाता है, हमारे तो यहाँ जो अभी मैंने आपको पहले बताया है वही बनाया जाता है। और मैं सोच रही थी तैयार होके थोड़ी सी वेदू के साथ फ़ोटो क्लिक करूँगी, पर ये ना फ़ोटो ही नहीं लेने दे रहे थे, बार बार भाग रहे थे इधर उधर और रोने लग रहे थे, मैं उनको उठा रही थी बस इधर उधर भागने में लगे हुए थे। तो जैसा सोचो वैसा नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लोग ने हमारे फ़ोटो देखे हैं तो बताइएगा कैसे लगे हैं हमारे फ़ोटो। और इस साल हमारे करवा चौथ बहुत अच्छे से, जो व्रत था वो मैंने बहुत अच्छे से खोला और चंद्रदेव अब की बार बहुत जल्दी निकल आए थे। तो कुछ इस तरह से रहा हमारा करवा चौथ का त्यौहार। इसी के साथ आप सब लोगों से लेते हैं विदा, मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे और एक बार फिर से हमारी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं।